100%, otherwise the country's progress will come to grinding halt. Because agar executive or legislature or judiciary or media mein collusion ho jaye, to samajh lijiye prajatantra ki wo sabse badi hatya hoti hai. To samvidhan, dekhiye hamare samvidhan ka jo itihas hai wo bada dilchasp hai. Pakistan aur Hindustan mein kya fark hai? Jis samay wo bahar se commission aaya, तो उनकी ये इच्छा थी डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी जो ब्रिटिश ने हमारी कंट्री के अंदर डाली थी वो ये नहीं चाहते थे, चाहे 1919 का हो या 1939 का हो. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन ये तो बाद में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन, तो दो साल लगता है 11 महीना और 17 दिन में उन्होंने जो है वो कार्यक्रम संपन्न किया. अभी जैसे हमारे बताया कि हिंदी में लिखा, दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. तो अंग्रेज ये चाहते थे कि ये हम लिखें. उन्होंने बल्कि चुनौती दी इंडियंस को कि तुम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख नहीं सकते, इट इज सच ए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट. एंड व्हाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, 130, चलिए उस समय तो कम थी जनसंख्या, आज तो 130 करोड़ है. और जब संविधान बनता है तो वो एक या दिन या दो साल या तीन साल के लिए बनता है, ये बनता है पूरे आने वाले कई दशकों के लिए, कई सेंचुरीज के लिए. तो इतना बड़ा विजन डॉक्यूमेंट ये इंडियंस कैसे क्रिएट करेंगे? तो ये चुनौती उन्होंने दी और इंडियंस ने ये चुनौती ली. और अम्बेडकर साहब ने और जो कृपलानी जी और अपने गोखले जी जो सब इन सब लोगों ने मिलकर के कहा कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे जो विश्व में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन होगा. Challenges before the drafters of the constitution. India had 3,000 dialects. 3,000 लोग अलग-अलग भाषाएं बोलते थे. यहाँ पर different मजहब के लोग यहाँ पर रहते थे. आपस में उनके अंदर बहुत सारे differences थे. तो सबसे बड़ा जो challenge था कि समावेशी विकास पूरे भारत के समाज का कैसे किया जाए. ये सबसे बड़ा challenge था कि जिसमें हिंदू